आइए आज कथा साहित्य में सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका डॉ पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी कहानी का शीर्षक है इंतजार तेरे लिए एक अच्छी खबर है चेहरे पर भरसक मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए अमर ने कहा अब भी मजाक अमर मुश्किल से आंखें खोल दर्द के साथ ईरा बुदबुदाई मजाक नहीं सच सुनकर खुश हो जाओगी कल कानपुर से माँ पापा आ रहे हैं नहीं उन्हें क्यों बुलाया अमर पीड़ा से ईरा के होंठ भिंच गए देखना माँ की गोद में सिर रखते ही तेरा दर्द भाग जाएगा अमर ने तसल्ली देने की कोशिश की थी पिछले तीन हफ्तों से ईरा का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा था सारा बदन दर्द से ऐंठ जाता उसकी कराहें सुनकर अमर और बच्चों के दिल रो पड़ते ईरा के कैंसर की अब अंतिम स्थिति यही थी डॉक्टरों का दिया समय अब समाप्त हो रहा था उन्हीं की सलाह पर अमर ने ईरा के माँ पापा को बुलाया था कम से कम अपने इकलौती बेटी को उसके अंतिम समय में देख तो ले मां की गोद में आंखें खोली थीं। अब बंद आंखें माँ कैसे सहेंगी अमर किसी तरह अस्फुट शब्दों से बात कहती ईरा दर्द से चीख पड़ी आंखों से आंसू बह निकले प्यार से उसके आंसू पहुंच अमर ने बच्चे की तरह से दुलारा तू इतनी प्रेव है तेरे साहस का तो हम सब लोहा मान गए ये जानते हुए भी कि तू कितने असाध्य रोग के पंजे में जकड़ चुकी थी कभी किसी के सामने अपनी बीमारी का नाम तक नहीं लिया हमेशा हंसते हुए सहज जिंदगी जी है अब कमजोर मत पड़ीरा क्या हुआ पापा मम्मी ठीक तो हैं स्कूल से आई बेटी रीमा शंकित थी हाँ मम्मी ठीक है कल तेरे नाना नानी आ रहे हैं मम्मी को वही बता रहा था तू तो कुछ खा ले रीमू किसी तरह बोलती ईरा की आंखों में बेटी के लिए ममता छलक रही थी ओके मम्मी हम अभी फ्रेश होकर आते हैं कुछ ही देर में रीमा वापस आ गई थी पापा अब हम मम्मी के पास हैं आप रेस्ट कर लीजिए जब से ईरा की हालत बिगड़ी थी बच्चे और अमर बारी बारी से ईरा के पास बैठते थे तेरह साल की रीमा अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो गई थी जब से ईरा को अपने कैंसर का पता लगा था तब से उसने दस वर्ष की रीमा को समझाना शुरू कर दिया था अगर एक दिन तुम सबको छोड़कर मुझे भगवान के पास जाना पड़े तो मेरी बहादुर बेटी सब संभाल लेगी ना अपने भाई पापा और इस घर की जिम्मेदारी उठा सकेगी हाँ मम्मी पर हम गॉड से प्रे करेंगे वो तुम्हें कभी ना ले जाएं भोलेपन से रीमा कहती एक बात याद रखना हमेशा सूरज को देखकर आगे बढ़ती जाना कभी पीछे मुड़कर अपनी परछाई मत देखना बेटी अपनी माँ की तरह हर मुश्किल का हिम्मत से सामना करना उस उम्र में ईरा की बातें रीमा कितना समझ पाती पर अब तेरह साल की रीमा बहुत कुछ समझने लगी है यूं तो जिस दिन से डॉक्टर ने बताया था ईरा का कैंसर अंतिम स्टेज में है उसका जीवन अधिक से अधिक चार पांच साल चल सकेगा शायद उसी दिन से ईरा ने दिन गिनने शुरू कर दिए थे पर जड़ हुए अमर को तसल्ली देने को हंसते हुए अमर से कहा था चार पाँच साल तो बहुत होते हैं अमर देखना अपने सारे काम पूरे कर लूंगी इस दुनिया में जो आया है उसे जाना तो होता ही है अचानक चले जाने से तो अच्छा यही है मुझे अपना जाने का समय पता लग गया है उसके चेहरे की मुस्कान से अमर स्तब्ध रह गया था अपने कमरे में पलंग पर लेटे अमर के सामने पंद्रह वर्ष पहले की पुरानी यादें सजीव हो गईं। आज अंतिम सांसें गिन रही कंकाल बनी ईरा का कहाँ गया वो मनोहारी रूप कंचन सी काया शहर के विमेंस कॉलेज के चैरिटी शो में वो आमंत्रित था स्टेज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे अचानक एक मीठी आवाज ने जैसे अमर को दूसरे ही लोक में पहुंचा दिया स्टेज पर ईरा की गजल से जैसे पूरा हॉल संगीत में हो गया था विस्मित अमर स्टेज पर गाने वाली युवती को मुक्त देखता रह गया जितनी ही मीठी उसकी आवाज थी उतना ही सुंदर उसका मन भावन रूप था गजल समाप्त होते ही अमर की तंद्रा भंग हो गई ना जाने कैसा जुनून था पागलों की तरह अपनी जगह से उठकर सीधे ग्रीन रूम में ईरा के पास जा खड़ा हुआ था सीधे सवाल पूछ डाला था मुझसे शादी करोगी पर्स उठाकर जाने को तैयार ईरा से कहा था क्या कह रहे हो दो सुंदर विस्फारित नयन उस पर निबद्ध थे सीधी ही बात तो कह रहा हूं फिर दोहरा देता हूं मुझसे शादी करोगी पागल हो जान ना पहचान सीधे शादी करने चले आए आवाज में क्रोध था जान पहचान के लिए यह रहा मेरा विजिटिंग कार्ड अच्छी तरह से देख लो पहचान हो जाएगी अमर ने अपना विजिटिंग कार्ड ईरा के सामने रख दिया था अब जाते हो या सिक्योरिटी गार्ड को आवाज ईरा की आवाज में तेजी थी उसकी जरूरत नहीं है पर मेरा वादा है आपको अपनी बनाकर ही चैन लूंगा अमर बाहर आ गया अमर के बाहर आ जाने के बाद ईरा ने सरसरी दृष्टि सामने रखे कार्ड पर डाली थी स्पष्ट शब्दों में छपा था अमर सहाय चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ल्ड बैंक शिकागो लापरवाही से कार्ड वहीं छोड़ ईरा घर चली गई थी कुछ देर बाद मानो अमर को होश आया था ये कैसी दीवानगी थी वो क्या कर बैठा उसके साथ पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था क्या ईरा के संगीत में कोई जादुई शक्ति थी जिससे वो बंधा चला गया शायद उस गजल में कोई ऐसी बात थी जिसने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया जो भी हो अपनी इस मूर्खता पर उसे ईरा से माफी मांगनी होगी दो दिन बाद ईरा के घर की बेल बचाने पर ईरा ने ही दरवाजा खोला था तुम फिर यहाँ क्यों आए हो ईरा द्वारा दरवाजा बंद करने की कोशिश पर अमर ने दरवाजा पकड़कर बंद होने से रोक लिया अपनी उस दिन की गलती के लिए माफी मांगने आया हूं प्लीज माफ कर दीजिए कौन है ईरा बिटिया एक पुरुष स्वर ने पूछा कोई नहीं पापा चंदा मांगने वाले हैं अरे आप यहां तुम इन्हें नहीं जानती ईरा अभी कुछ दिन पहले ही तो इनकी पोस्टिंग शिकागो में हुई है मेरी इनके साथ सुरेश के घर मुलाकात हुई थी प्लीज अंदर आइए ईरा के पापा ने स्वागत किया विवश ईरा को अमर को घर के भीतर लाना पड़ा अमर के बैठने पर ईरा के पापा ने ईरा से कहा था ईरा बेटी अपनी मम्मी को बुला लो और चाय के लिए भी कह दो नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है एक प्रोग्राम में ईरा जी की गज़ल सुनी थी उसी के लिए उन्हें बधाई देने आया था बहुत अच्छी गायिका है अमर ने बहाना बनाया हाँ बचपन से ही इसे संगीत का शौक था अब अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करती है पर अपना संगीत नहीं छोड़ सकी इसका मतलब आपको भी म्यूजिक में रुचि है उन्होंने गर्व से बताया जी हाँ बस सुनने का शौक है आप क्या यहाँ ही रहते हैं अमर ने परिचय बढ़ाया हम लोग तो कानपुर में रहते हैं ईरा ने अमेरिका देखने को बुलाया है वहां मेरे नाम की विकास दास नाम से टेक्सटाइल फैक्ट्री है ईरा के पापा के चेहरे पर खुशी और संतोष स्पष्ट था तभी माँ के साथ ट्रे में चाय लिए ईरा आ गई ईरा के चेहरे पर नाखुशी और शंका साफ झलक रही थी शायद वो सोच रही थी कहीं ये पागल फिर उसी दिन की तरह से कोई दीवानगी ना कर बैठे माँ को प्रणाम कर अमर ने हल्की दृष्टि ईरा पर डाली थी गुलाबी सलवार सूट में वो बहुत सुंदर लग रही थी अमर की तरफ चाय का कप बढ़ाती ईरा ने अमर पर नजर डालने की जरूरत नहीं समझी आशा ये मिस्टर अमर सहाय हैं। यही बैंक में बड़े ओहदे पर काम करते हैं हमारी ईरा बेटी के गीत के लिए बधाई देने आए हैं विकास दास ने पत्नी से अमर का परिचय कराया क्या तुम्हारे माता पिता भी यहीं रहते हैं उनसे मिलकर अच्छा लगेगा आशा जी ने कहा जी नहीं यहां अकेला ही रहता हूं जब से पापा नहीं रहे माँ को जैसे संसार से वैराग्य सा हो गया है हरिद्वार में मेरी ताई के साथ गीता आश्रम में रहती हैं बहुत बुलाने पर भी नहीं आती मैं ही उन्हें देखने इंडिया जाता रहता हूँ अमर की आवाज़ में उदासी थी सच है बेटा पति के ना रहने से दुनिया ही बदल जाती है हम लोग जब तक यहाँ हैं आया करो हमें अच्छा लगेगा आशा जी ने स्नेह से कहा हाँ अमर आशा ठीक कहती है ईरा को तो हर महीने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना होता है उसकी एब्सेंस में बहुत अकेलापन महसूस होता है समय मिले तो आते रहा करो इस प्रदेश में ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है पर अगर कभी कोई जरूरत हो तो मुझे अपना बेटा समझकर कर बुला लीजिएगा सुरेश अंकल की तरह आप भी मेरे अंकल ही हुए ये मेरा कार्ड है मेरा फोन नंबर और घर का पता भी दिया हुआ है अपना कार्ड देते हुए अमर ने ईरा पर नजर डाली थी खुश रहो बेटा तुम्हारे बात सुनकर बहुत अच्छा लगा पर देश में कोई तुम्हारे जैसा मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है तुमने जो कहा उसे याद रखूंगा वापस होते अमर ने ईरा पर मुस्कुराकर नजर डाली थी अमर को दरवाजे तक छोड़ने आना ईरा की व्यवस्था थी अक्सर लोगों के जाने पर ईरा ही दरवाजा बंद करने आती थी अमर की मुस्कुराहट से चिढ़ी ईरा ने धीमे से कहा था यूपी के लोग बहुत मिलनसार और खातिर पसंद होते हैं मां ने घर आते रहने को कहा है इसका मतलब ये नहीं कि जब जी चाह आ जाओ अगर उन्हें तुम्हारा पागलपन पता लग जाए तो घर में कभी ना आने दें ईरा की आवाज में चेतावनी थी लेकिन अगर यहां आने का जी चाहे तो अपने को कैसे रोक सकूंगा हमर हंस रहा था ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो अच्छी तरह से समझ लो आज आए सो आए अब फिर आने की जरूरत नहीं है दरवाजा बंद करके ईरा चली गई एक सप्ताह बाद पापा के परिचित मित्र सुरेश जी के घर उनके बेटे के जन्मदिन पर विकास दास को सब परिवार लंच के लिए आमंत्रित किया गया था सुरेश जी ने बड़े गर्म जोशी के साथ विकास जी के परिवार का स्वागत किया था उनकी बड़ी बेटी उषा ईरा को देखकर खिल गई ईरा का हाथ पकड़ उषा उसे अपने साथ की हम उम्र लड़कियों के पास ले गई लो भाई, अब हमारी लता मंगेशकर आ गई है अब खूब रंग जमेगा ईरा को देख निशा चहकी सामने से अमर को आता देख ईरा चौंक गई फिर याद आया पापा ने बताया था अमर के साथ उनका परिचय सुरेश जी के घर में ही हुआ था हाय उषा तेरे कजिन अमर की क्या पर्सनैलिटी है मेरा परिचय करा दे अमर को मुक्त दृष्टि से देखती माला बोली अरे मेरा कजिन अमर मोस्ट एलिजिबल बैचलर है ना जाने कितनी लड़कियां उस पर मरती हैं पता नहीं किस लड़की का भाग्य उसे पा सकेगा वैसे तुम सबको उससे मिलाती हूँ गर्व से उषा ने कहा अमर भैया इधर आओ यहाँ बहुत लोग तुमसे मिलना चाहते हैं उषा ने आवाज दी वाह मेरी किस्मत इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स मुझ जैसे इंसान से मिलना चाहती हैं चेहरे पर मुस्कान थी अमर जी आपसे मिलना तो हमारा सौभाग्य है सुना है आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं क्या हमें भी सुनने का मौका मिलेगा सुमन ने शोखी से कहा जरूर बशर्ते आप में से कोई साथ में अपना स्वर दे अमर ने अपने में सिमटी ईरा को देखकर कहा यह तो सोने पे सुहागा वाली बात हुई हमारी ईरा आपका साथ देगी माला ने बात पक्की कर दी नहीं नहीं, हम नहीं गा सकते ईरा ने प्रतिवाद किया अब तेरी ना नहीं मानी जाएगी इतने फंक्शंस में गाती है आज मेरे भाई के जन्मदिन पर तो तुझे गाना ही पड़ेगा भैया अभी गिटार लाती हूँ उषा ने ईरा को गाने पर मजबूर कर ही दिया अमर ने गिटार के सुर मिलाकर ईरा की तरफ देखा और गिटार पर एक गीत की धुन शुरू कर दी ईरा के मौन पर सब लड़कियों ने ईरा को गाने के लिए विवश कर दिया ईरा की मीठी जादुई आवाज के साथ गिटार की धुन ने ऐसा समा बांधा कि सब मंत्र से रह गए गीत समाप्त होने पर बहुत देर बाद लोगों को तालियां बचाने की याद आई उसके बाद सबकी फरमाइश पर अमर के गिटार पर ईरा को गीत गाने ही पड़े ईरा और अमर समारोह के मुख्य पात्र और पात्री बन गए सबने ईरा के गायन और अमर के गिटार की दिल खोलकर तारीफ की विकास जी आपकी बेटी तो खरा सोना है क्या मीठा सुर पाया है मुझे तो पता ही नहीं था ईरा बेटी इतनी गुणवती है भगवान इसे लंबी उम्र दे सुरेश जी ने सच्चे मन से तारीफ की आपका अमर भी तो कम नहीं है बैंक के नीरस काम के बीच भी गिटार से इतना प्यार करता है कितना अच्छा गिटार बजाता है विकास जी ने भी जवाब दिया घर लौटने के बाद ईरा की माँ और पिता काफी देर तक आज के जन्मदिन के समारोह और अमर के बारे में बात करते रहे बिस्तर पर लेटी ईरा भी सोच में पड़ गई अमर के साथ उसके पहले दिन की भेंट क्या उसका जुनून था आज तो उसका कोई भी आपत्तिजनक व्यवहार नहीं था जो भी हो वो गिटार सचमुच अच्छा बजाता है और इतना तो जान गई कि उसे संगीत से प्यार है ईरा को दूसरे दिन एक सप्ताह के लिए शिकागो से बाहर जाना पड़ा था मम्मी पापा को सावधानी से रहने को कहकर ईरा ने किसी मुश्किल के समय के लिए कुछ टेलीफोन नंबर भी दिए थे अचानक दो दिन बाद उसे पापा का मैसेज मिला था उसकी माँ हॉस्पिटल में है डॉक्टर अभी जांच कर रहे हैं खबर मिलते ही ईरा ने अपनी वापसी की सूचना फोन से दी थी उसकी फ्लाइट रात के दो बजे पहुंचने वाली थी विकास जी परेशान हो उठे तभी उन्हें याद आया अमर ने अपना फोन नंबर देकर कहा था अगर कभी किसी तरह की जरूरत पड़े तो उसे अपना बेटा समझ कर निसंकोच काम बता दे सुरेश जी को रात में परेशान करना ठीक नहीं है ईरा के ऑफिस वालों के पते जरूर थे पर उन्हें अभी वो कहाँ जान पाए थे साहस करके अमर को फोन लगाया था बात सुनते ही अमर ने कहा आंटी हॉस्पिटल में है अभी पहुंचता हूं ईरा की चिंता ना करें उसे एयरपोर्ट से मैं रिसीव कर लूंगा कुछ ही देर में अमर हॉस्पिटल पहुंच गया था डॉक्टर से बात करने पर पता लगा आशा जी को गैस की समस्या थी खतरे की कोई बात नहीं थी विकास जी ने अमर को धन्यवाद देना चाहा तो उसने कहा क्या अपने बेटे को कोई पिता धन्यवाद देता है एयरपोर्ट पर अमर को देखकर ईरा किसी अनिष्ट की आशंका से डर गई तुम यहां मम्मी तो ठीक हैं? मम्मी बिल्कुल ठीक हैं और अभी उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर छोड़कर आया हूं थैंक्स हम तुम्हें यहां देखकर कुछ और ही सोचकर डर गए थे क्यों क्या मेरी शक्ल इतनी डरावनी है अमर मुस्कुरा रहा था घर पहुंची ईरा को देख विकास जी खुश तो हुए पर पछतावे से बोले सॉरी बेटी तेरा प्रोग्राम बिगड़ गया रात में आशा ने जब सीने में दर्द बताया तो बस हार्ट अटैक ही सोच बैठा उस वक्त बस अमर ही याद आया अमर की वजह से सारी परेशानी दूर हो गई एक बेटे की तरह इसने साथ दिया ऐसे लड़के कम ही मिलेंगे स्नेह से अमर को देखते विकास जी ने कहा अब अंकल बहुत तारीफ हो गई ये तो मेरा फर्ज था अब आप सब आराम कीजिए मैं चलता हूं थैंक्स अमर आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी ईरा ने सच्चाई से कहा इसका मतलब अब इस घर के दरवाजे मेरे लिए खुले रहेंगे शरारत से अमर ने कहा जी हां अब आप जब चाहे आ सकते हैं मीठी मुस्कान के साथ ईरा बोली उस दिन के बाद से अमर अक्सर ईरा के घर जाने लगा उसके वहां जाने से ईरा के घर में खुशी का माहौल बन जाता ईरा की माँ उसे जबरन खाना खिलाकर ही वापस जाने देती बेचारे को माँ के हाथ का बना खाना कहाँ नसीब हो पाता है अब तो ईरा को भी अमर के आने की प्रतीक्षा रहती अचानक एक दिन सुरेश जी ने ईरा के पापा के सामने अमर के साथ ईरा के विवाह का प्रस्ताव रखकर चौंका दिया अमर मेरे दूर के रिश्ते के भाई का बेटा है पर मुझे सगे चाचा जैसा प्यार और सम्मान देता है उसके विवाह की चिंता करने वाली माँ वैराग्य ले बैठी है अमर बहुत समझदार और योग्य लड़का है ईरा बेटी उसके साथ बहुत खुश रहेगी अगर आप उचित समझें तो हम लोग दोनों का विवाह करा सकते हैं ईरा के माता पिता के इनकार का सवाल ही नहीं उठता था ईरा भी थोड़ी मनोहार के बाद अमर के साथ विवाह के लिए राजी हो गई अमर को पाकर कोई भी लड़की अपना भाग्य सराहेगी बात ईरा भी मानती थी एक सादे समारोह में दोनों का मंदिर में विवाह संपन्न हो गया बेटी को अमर को सौंप ईरा के माँ पापा कानपुर वापस चले गए विवाह के बाद दोनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी दो वर्ष बाद रीमा और आशीष के जन्म ने उनकी खुशियाँ दुगनी कर दी बच्चों के आ जाने से घर गुलजार हो उठा समय के साथ बच्चे स्कूल जाने लगे दोनों ने ईरा और अमर की तरह तीव्र मेधा पाई थी आशीष अपने पापा से गिटार सीखता और रीमा माँ से संगीत सीखती उनके मित्र परिहास करते उनके घर में तो पूरा ऑर्केस्ट्रा ही है जीवन में कहीं कोई कमी नहीं थी ईरा को कभी कभी अमर छेड़ता देखा जो कहा था पूरा किया तुम्हें पा ही लिया आवाज में गर्व होता वो तो जनाब हमें आप पर तरस आ गया वरना इस ईरा को चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी ईरा शान से जवाब देती कुछ दिनों में अमर ने महसूस किया ईरा की खाने में रुचि नहीं रह गई थी एक या आधी रोटी भी मुश्किल से खा पाती उसकी मनपसंद डिशेस भी अनछुई रह जाती क्या बात है ईरा देख रहा हूँ आजकल तुमने खाना बहुत कम कर दिया है कहीं और ज्यादा स्लिम होने का चक्कर तो नहीं है अमर ने ईरा को छेड़ा नहीं अमर पेट में भारीपन लगता है भूख नहीं लगती ताजुब ये है कि इतना कम खाने पर भी मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है कमर पर सब कपड़े टाइट हो रहे हैं मुस्कुराती ईरा ने बताया मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए अपनी डॉक्टर फ्रेंड मीरा से सलाह क्यों नहीं लेती अमर को याद आया उसके बाद डॉक्टरों के पास जाने का सिलसिला चलता रहा पहले डॉक्टर की दी गई गैस की दवाइयां चलती रहीं पर कोई फायदा नजर नहीं आया उस बीच ईरा को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ने लगा तो डॉक्टर ने उसे यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दिया उस डॉक्टर को लगा ईरा के यूरिनल पाइप में कोई खराबी आ गई है दवाइयां चलती रहीं समय बीतता जा रहा था ईरा की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था अब कभी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग भी ईरा को परेशान करती ये डॉक्टर मुझे यूं ही नचा रहे हैं सोचती हूँ किसी होम्योपैथ से दवा लूं। परेशान ईरा ने अमर से कहा अभी तक तुम तो मुझे नचाती थी अब डॉक्टर तुम्हें नचा रहे हैं अमर ने परिहास किया ईरा के घर के पास एक रिटायर्ड नर्स मारिया रहती थी ईरा उसका बहुत सम्मान करती थी बच्चे जब छोटे थे कभी उनकी तबीयत खराब होने पर घबराई ईरा सिस्टर मारिया को ही बुला लाती थी मारिया अपने अनुभव से ईरा की सहायता करती थी ईरा और मारिया के बीच माँ बेटी जैसा संबंध बन गया था कुछ दिनों से अपनी परेशानियों के कारण ईरा मारिया से नहीं मिल सकी थी एक दिन मिलने पर ईरा ने जब अपनी परेशानी मारिया को बताई तो अनुभवी आंखों में शंका उभर आई ईरा तुम फौरन गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्था से मिलो वो अपने काम में बहुत मशहूर हैं पर सिस्टर मुझे कोई गायनिक प्रॉब्लम तो है ही नहीं उनके पास जाने से क्या फायदा आई विश ऐसा ही हो पर चेकअप कराने में तो कोई नुकसान नहीं है तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ मार्था मुझे बहुत मानती है उनके साथ काम कर चुकी हूं मारिया गंभीर थी डॉक्टर मार्था ने ईरा की समस्या सुनकर तुरंत कई टेस्ट करने के निर्देश दिए थे रिपोर्ट मिलने वाले दिन डॉक्टर मार्था ने फोन करके कहा था ईरा अपने पति के साथ फौरन मुझसे मिलो देर मत करना क्यों डॉक्टर ऐसा क्या है मेरे पति बाहर गए हुए हैं मैं आ रही हूं शंकित ईरा तुरंत ही चल दी ईरा तुम इतने दिन कहाँ थी अच्छा हो अपने पति के साथ आओ डॉक्टर आपको जो बताना है मुझे बता दीजिए मेरा दिल बहुत मजबूत है जो भी है सह लूंगी तुम एक बहुत सीरियस बीमारी में जकड़ चुकी हो इतनी देर क्यों कर दी ईरा सीरियस बीमारी कैंसर तो नहीं हो सकती आप बता ही दीजिए ईरा ने मजाक करना चाहा हिम्मत रखो ईरा तुम्हें ओवेरियन कैंसर है क्या ये नहीं हो सकता मैं तो बिल्कुल ठीक हूं बस कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं काश ऐसा ही होता तुम अमेरिका में रहती हो यहां के नियम जानती हो डॉक्टर का फर्ज है अपने पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ सही सही बता दे तुम्हारा कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है डॉक्टर ने गंभीरता से कहा मेरे पास कितना समय शेष है डॉक्टर ईरा के चेहरे का रंग बदल गया था ज्यादा से ज्यादा चार पांच साल मुझे दुख है इसका मतलब अब कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे अभी छोटे हैं डॉक्टर मेरे पति सह नहीं सकेंगे एक डॉक्टर होने के नाते हम अपने मरीज को बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं उसके बाद गॉड की मर्जी तुम्हारी सर्जरी की जाएगी उसके लिए तुम्हारे हस्बैंड की परमिशन चाहिए अमर नहीं जानता अपने कैंसर की लास्ट स्टेज के बारे में सुनकर ईरा की क्या प्रतिक्रिया रही होगी पर जब वो वापस आया तो ईरा ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा था मिस्टर अमर सहाय अब आपको अपनी पत्नी की सेवा करने का मौका मिला है बस कुछ सालों के मेहमान है कल आपको डॉक्टर मार्था ने बुलाया है मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है ईरा सच सच बताओ डॉक्टर ने क्या बताया अमर नाराज था सच ही कह रही हूं मेरा कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है अमर पर अभी मेरे पास कुछ वक्त है अच्छा तुम्हारा कैंसर लास्ट स्टेज में है और तुम हंस रही हो अमर यकीन नहीं कर पाया ठीक है ये देखो मेरी रिपोर्ट पर तो विश्वास करोगे ईरा ने अपनी रिपोर्ट अमर को पकड़ा दी नहीं ये नहीं हो सकता अमर सिर पकड़ बैठ गया अरे जनाब अभी हम नहीं जा रहे हैं अभी तो हमारी सर्जरी होनी है शायद उसके बाद कुछ और समय मिल जाए ईरा ने अमर को तसल्ली देनी चाहिए सर्जरी से पहले ईरा ने सिस्टर मारिया से कहा था सिस्टर मेरी सर्जरी के वक्त तुम मेरे लिए प्रार्थना करना अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना मुझे तुम पर यकीन है तुम मेरी बात याद रखोगी तुम्हें कुछ नहीं होगा माई चाइल्ड तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों जैसे हैं उनको बचपन से प्यार दिया है मारिया की आंखें भर आई ईरा के साथ उनका प्यार का रिश्ता रहा है सर्जरी तो हो गई ओवरी निकाल देने पर भी कैंसर का जो जाल पूरे शरीर में फैल चुका था उसे निकाल फेंकना संभव नहीं था ईरा ने अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर दी उसने दृढ़ निश्चय कर लिया जीवन के जितने दिन शेष हैं उन्हें अपने परिवार के साथ एक एक पल खुशी के साथ बिताएगी अपने ऑफिस के बहुत से साथियों को पता भी नहीं चलने दिया कि वो कैसे मौत के साय में जी रही थी अपने मित्रों के साथ उसी गर्म जोशी के साथ मिलती बच्चों और अमर को आभास भी नहीं होने देती कि उसका जीवन कुछ ही समय का मेहमान है पहले की तरह से पार्टी के लिए मित्रों को इनवाइट करती जो उसके बहुत निकट के मित्र होते उन्हें हंस हंसकर बताती कैसे अमेरिका के डॉक्टर भी उसके कैंसर से धोखा खा गए सब स्तब्ध रह जाते पर ईरा का परिहास चलता रहता अमर और बच्चों की फेवरेट डिशेस बनाती अमर इतना काम करने पर नाराज होता तो ईरा हंसकर कहती कहते हैं पति के दिल पर राज करने के लिए पेट के रास्ते से दिल जीता जा सकता है वही करती हूँ मेरे दिल पर तो तुम पहले ही राज कर चुकी हो अब और क्या चाहती हो अमर भी हंस पड़ता अमर इस संडे मैंने ओवेरियन कैंसर के लिए फाइव के यानी पांच किलोमीटर की दौड़ ऑर्गेनाइज की है तुम्हें भी मेरे साथ दौड़ना होगा बस सवेरे जल्दी उठाना होगा अचानक एक दिन ईरा ने सूचना दी क्या पागल हो गई हो इस हालत में दौड़ोगी इससे क्या फायदा होगा विस्मित अमर ने पूछा डॉक्टर ने कहा है अभी मैं सभी काम सामान्य रूप से कर सकती हूँ हाँ तुम फायदे की बात पूछ रहे हो तो अपने साथ दौड़ते साथियों से मुझे कितनी शक्ति और मॉरल सपोर्ट मिलेगा तुम समझ नहीं सकते उससे बड़ी बात यह है कि लोगों को ओवेरियन कैंसर के बारे में जानकारी मिलेगी काश मुझे इसके बारे में पहले से कुछ पता होता ईला के चेहरे पर हल्की सी उदासी थी अमर के विरोध के बावजूद पिछले साढ़े तीन वर्षों से ईरा अपने साथियों और मित्रों के साथ उत्साहपूर्वक पाँच किलोमीटर दौड़ती रही है दौड़ने के बाद चेहरे पर थकान का निशान तक नहीं होता बल्कि आँखों में जीत की चमक होती विवश अमर को भी साथ देना होता वो ईरा की हिम्मत पर ताजुब करता करीब चार वर्ष का समय बीतने वाला था अब ईरा की तबीयत कुछ गिरी गिरी सी रहती पिछले कुछ दिनों से वो देर रात तक कुछ लिखती रहती अमर कहता इतनी देर रात तक जागना ठीक नहीं है तुम्हें आराम करना चाहिए क्या लिखती रहती हो कुछ नहीं ऑफिस के काम नोट करती हूं तुम सो जाओ ईरा सामान्य स्वर में जवाब देती अमर सोचता शायद वो अब भी अपने ऑफिस के कामों को पूरा कर रही है अधूरे काम छोड़ना कभी उसकी आदत नहीं रही है अमर इस 16 तारीख को एक पार्टी करनी है रीमा और आशीष के सारे दोस्तों को और हमारे कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करना है क्या कह रही हो अपनी हालत देखी है इतना काम कौन करेगा मेरी इतनी सी खुशी भी पूरी नहीं करोगे अपने बच्चों को एक खुशी तो दे जाऊं मैंने पार्टी का मेनू बना लिया है बाहर से सब कुछ मंगा लो तुम्हारी ऐसी ही बातें मुझे तुम्हारी बात मानने को मजबूर कर देती हैं वरना तुम्हारी ऐसी हालत में पार्टी करना क्या ठीक है अभी तो ठीक महसूस कर रही हूँ तुम बेकार डराते रहते हो एक बात कहूं ये सच है मुझे अपने दुनिया से जाने वाले दिन का इंतजार है पर उसे डरती नहीं पर तुम्हारी आंखों और चेहरे पर मेरी मौत की जो दहशत है उसे साफ देख पाती हूँ तुम्हारे उस डर से इस दुनिया को छोड़ने की बात सोचकर दुख होता है मुझे खुशी से जाने दो तो अमर अब रुक पाने का कोई उपाय शेष कहाँ रह गया है अंततः शानदार पार्टी हुई रीमा और आशीष ने अपने मित्रों के साथ जी खोलकर एंजॉय किया बहुत दिनों बाद उनके चेहरों पर खुशी आई थी कुछ देर के लिए वे माँ की बीमारी भूल सी गए थे वरना उन पर ईरा की बीमारी हमेशा हावी रहती थी ईरा ने भी अपने शिफोन की नीली साड़ी पहनी थी पूरे समय अपने मित्रों के साथ जिस तरह से हंसी मजाक कर रही थी कि यह विश्वास कर पाना असंभव था कि वो बस कुछ ही दिनों के मेहमान है पार्टी के बाद ईरा निढ़ से पलंग पर गिर सी गई बस उस दिन के बाद से उसकी हालत बिगड़ती ही गई और अब तो उसका दर्द और तकलीफ देखकर कभी कभी अमर सोचने को विवश हो जाता इतना कष्ट वो कैसे सह पा रही है इससे अच्छा है वो अब चली ही जाए अब ना तो कोई पेन किलर उसका दर्द कम कर सकता था ना कोई दवा उसका दर्द देख पाना भी सहन नहीं हो रहा था पापा आकर देखिए मम्मी एकदम चुप हो गई हैं घबराई रीमा ने आकर अमर को चैतन्य किया कुछ देर पहले दर्द से छटपटाती इरा शांति से सो रही लग रही थी उसका चार वर्षों का इंतजार खत्म हो गया था वो जा चुकी थी दुखी अमर ने पास के घर में ईरा के निधन की सूचना दे दी सूचना देनी जरूरी थी दो दिन बाद भारत से ईरा के भाई के आने पर अंतिम संस्कार किया जाना तय किया गया था नियमानुसार ईरा का शव हॉस्पिटल ले जाया जाना था लोग आने लगे थे ईरा की मृत्यु प्रत्याशित ही थी फिर भी उसका जाना दुखद था उसकी सहेलियां उसके साहस की बातें कर रही थीं हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में आए लोग ईरा का शव ले गए अमर की उसके लिए यही अंतिम विदाई थी अब दो दिन बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी थी अचानक आशीष ने अमर के हाथ में एक डायरी देकर रोते हुए कहा मम्मी ने कहा था जब वो हमारा घर छोड़कर चली जाए तब ये डायरी आपको दे दूं। विस्मित अमर डायरी लेकर अपने कमरे में चला गया अमर को याद आया शायद देर रात तक ईरा इसी डायरी पर कुछ लिखती रहती थी और वो समझता रहा ईरा ऑफिस के काम पूरे कर रही थी अमर ने पहला पृष्ठ खोला था डॉक्टर से अपने कैंसर की बात सुनकर भी आशा थी आजकल कैंसर लाइलाज तो नहीं है पर सिर्फ चार या पांच साल का जीवन शेष है यानी अब सोते जागते अपनी मौत का इंतजार करना है जरूरी तो नहीं वो इतनी मोहलत दे ही दे अमर बेहद परेशान है बच्चों को सच्चाई बताकर अभी से दुखी करना गलत होगा सर्जरी से कोई उम्मीद नहीं बढ़ी कैंसर ने मेरे शरीर में अपना साम्राज्य पूरी तरह से जमा लिया है उस पर विजय पाना असंभव है अब मैंने तय कर लिया है जीवन के जितने भी वर्ष शेष हैं उन्हें पूरी तरह भरपूर खुशी के साथ जीऊंगी हाँ अपने काम जितनी जल्दी पूरे कर सकूं करने की कोशिश करूंगी अमर सत्य जानते हुए भी मेरे साहस के कारण आश्वस्त से रहते हैं बच्चों को अब वास्तविकता ज्ञात हो गई है पर मेरा सामान्य व्यवहार उनके जीवन में दुख नहीं खोलता दोनों बच्चे आकर अपने स्कूल और मित्रों के बारे में पहले की तरह से ही बातें करते हैं मेरे साथ पहले जैसा ही हंसी मजाक करते हैं हम सब कैरम शतरंज ही नहीं कभी कभी मिलकर अपना ऑर्केस्ट्रा का शौक भी पूरा करते हैं अमर ने मेरे कई गीत रिकॉर्ड किए हैं शायद मेरी बेटी रीमा उन गीतों को दोहराते हुए मुझे याद किया करेगी अब तबीयत ठीक नहीं लगती अब समय कम रह गया लगता है अमर से जो कहना है अब लिख ही देना ठीक है अमर मैं चाहती हूँ मेरा अंतिम संस्कार बहुत सादगी से किया जाए संस्कार में गायत्री मंत्र और दूसरे मंत्रों के साथ सिस्टर मारिया की प्रार्थना के मंत्र भी पढ़े जाएं। मेरे कपड़े भारत के किसी अनाथालय को दे देना मेरी मृत्यु पर किसी की आंख से आंसू नहीं निकलने चाहिए मैंने बहुत साहस और खुशी के साथ अपना जीवन जिया है मेरी मौत तो पिछले चार सालों से मेरे साथ रही है पर उससे कभी डरी नहीं सच तो यह है पिछले चार वर्षों से हर दिन उसका इंतज़ार करती रही हूँ मेरी फाइव के की दौड़ कभी रुकनी नहीं चाहिए अब इस दौड़ को चलाते रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है अमर इस दौड़ के रुकने का मतलब मुझे भूल जाना होगा तुम्हारा साथ मेरे बच्चे जरूर देंगे। इसका यकीन है अमर। मेरे बच्चों के खूब धूमधाम से मनाना उन्हें मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने दोगे इस बात का तो पूरा विश्वास है जाति वेला में अपने मन की एक बात कहना चाहती हूँ संसार से जाने वाले के मरण दिवस पर प्रतिवर्ष पूजा पाठ का आयोजन करने वाली प्रथा मुझे कभी न्यायोचित नहीं लगती किसी के दुनिया से जाने का दिन क्यों याद किया जाए तुम्हें अगर मेरा जन्मदिन याद रहे तो बस उसे ही बच्चों के साथ केक काट कर खुशी से मनाया करना उस दिन की याद में बच्चे खुशी से माँ को याद करें यही चाहती हूँ तो मिस्टर अमर सहाय मेरे जाने के बाद भी मेरा जन्मदिन मनाया करेंगे ना एक सत्य विचलित और व्यथित करता है जानती हूँ मेरा बेटा आशीष तो लड़का है अपने पापा की छत्रछाया में बड़ा होकर उनके जैसा ही योग्य बनेगा पर अमर अपनी किशोरी बेटी से कैसे कहूँ उसे अब अपनी माँ के बिना अकेले ही अपना जीवन जीना होगा किसी समस्या में उसे कौन संभालेगा कौन सलाह देगा कैसे समझाऊं दस साल बाद उसे अपने शरीर में कैंसर की संभावनाओं का शक दूर करने के लिए नियमित रूप से टेस्ट कराते रहना होगा भगवान तुमने मुझे बहुत कुछ दिया काश मेरी बेटी के लिए मुझे जीवन के तीन चार वर्ष और दे देते मेरी बेटी डायरी के आगे के पृष्ठ खाली थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी इस मार्मिक कहानी के अंत के साथ ही मुझे विदा दीजिए फिर आऊंगी एक और कहानी के साथ Diolch